If you ain't talking Brexit, then I'ma cut the phone off. Rap star, but my bro's gully with that stone off. Books on Marseille, we don't speak Francais. Trap star, my heart skips a beat when I don't knock. If you ain't talking Brexit, then I'ma cut the phone off. Rap star, but my bro's gully with that stone off. Books on Marseille, we don't speak. तो दोस्तों आज मैं और एक स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं, तो प्रिव्यू देख लिया वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो यूज करने वाला हूँ वो फोटो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, और जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ इफेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो अलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना, और ये जो सॉन्ग बिटमार और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता तो उसके लिए एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है, सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो जो बीट है, ये बीट में मैं इफेक्ट बना के रखा हूँ पहले से। तो ये जो इफेक्ट है इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो ये जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और फर्स्ट में देखो ये जो बीट है, ये बीट में मैं इफेक्ट को बनाया हूँ। अगर आप भी अलग इफेक्ट बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, फर्स्ट बीट में आ जाना। और फर्स्ट बीट में आने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, मतलब ये फर्स्ट में एक इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए बैक हो जाना, और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप लेयर को टच करना, और जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और इधर से कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, बैक हो जाना और सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना, और एकदम फास्ट में आना। और फास्ट में आने के बाद दोस्तों जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, ऐसे दबा के रखना होगा और एकदम नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद ये जो सॉन्ग है सॉन्ग के ऊपर रख देना, तो एकदम नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद ये जो सॉन्ग है उसके ऊपर रख देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह मैं बीट में इफेक्ट बना के रखा हूँ, अब सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना। तो दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले देखो तो आप फोटो ऐड करेंगे, तो फोटो ऐड करने के लिए मतलब जिस फोटो का आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो ऐड करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों जो बीट है ये बीट में आ जाना 9:19 सेकंड में। और ये बीट में आने के बाद दोस्तों एक फोटो को ऐड करना होगा, जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पर टच करना, और इधर से फिर कंपोजिशन एरर को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, एकदम लास्ट में आना होगा और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और ऐसे करके साइड में दबा के रखना होगा और एकदम नीचे आ जाना। और नीचे आने के बाद दोस्तों जितने सारे लेयर है सभी लेयर के नीचे रखना होगा, ये जो लेयर है ये सभी लेयर के नीचे रख देना, और ये जो ग्रुप लेयर है उसके ऊपर रख देना। देखो तो आगे आ जाना, आगे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये जो ग्रुप लेयर है उसके ऊपर रखना होगा। तो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, तो ये जो मेन फोटो है ये मेन फोटो में आप इफेक्ट देंगे। तो दोस्तों मेन फोटो में इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना, और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। तो ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आना होगा, थ्रीडोट को टच करना, और इधर से कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों कॉपी करने के बाद बैक हो जाना, और फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आगे आ जाना। तो आगे आने के बाद ये जो मेन फोटो है ये मेन फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आना होगा, थ्रीडोट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद एक पिंज बॉर्डर ऐड करेंगे। तो पिंज बॉर्डर जो है ये पिंज बॉर्डर मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ, तो अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों जो पिंज फोटो है मतलब पिंज जो बॉर्डर है पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना। पिंज बॉर्डर को ऐड करने के बाद एकदम लास्ट बीट में आ जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और ये जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर लेयर को टच करना, बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में आ जाना। नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और इधर से शेडो को ऑन कर लेना, और ये जो साइज है साइज अपने हिसाब से रख लेना, और ये जो पोजिशन है XY 3:3 रहेगा तो इसको 0:0 कर देना। कुछ इस तरह आपको फोटो में
इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसा करके आप स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो उसके लिए ऊपर में जो चार ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।